हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? बेटर तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल, दैट इज द न्यू द नोशन ऑफ द ट्री। सो माय सेल्फ जितेंद्र मिश्रा, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम आपको कल जो जहां तक बताए थे, नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाई द कंपनी फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर, राइट? कि जो 1 अप्रैल से चालू होकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को एंड होता है, ऐसा क्यों कंपनी फॉलो करती है। तो बॉस, आप सबसे पहले जान लीजिए, किसी किताब में शायद ही लिखा मिलेगा आपको, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा देश क्या है, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, राइट? तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और इंडिया के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था, तभी वहां पे क्या था, जो तीन ही इंडस्ट्री मेन थी, जूट, शुगर एंड कॉटन इंडस्ट्री, तो इनके जो रॉ मटेरियल थे वो पूरे हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। आई बात समझे, एग्रीकल्चर से हमारे रॉ मटेरियल आते थे, और जो हमारा एग्रीकल्चर का जो फैक्टर, जो एग्रीकल्चर हमारा एंड होता है, वो हमारा दिसंबर से मार्च बीच में पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है? तो वहां से जो चीजें उनको मिलती, किसको मिलती है चीजें, कंपनियों को मिलती है रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से कंपनियां क्या करती थी, फिनिश प्रोडक्ट बनाती थी। तो उनकी स्टार्टिंग डेट कहां से होती थी, अप्रैल से चालू होती थी, और फिर वो लोग पूरा 12 महीने का जो सर्कल पूरा करते थे, 31 मार्च को पूरा करते थे। यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर कंपनियां फॉलो करती हैं, जो कि 1 अप्रैल से अगले ईयर के 31 मार्च तक फॉलो करती हैं। क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे आरबीआई का जो क्लोजिंग ईयर है वो जून टू जुलाई क्यों रखा गया। यस, यहाँ भी एक बड़ा चीज होता है कि आरबीआई का क्लोजिंग ईयर जून टू जुलाई क्यों रखा गया। सही बात है। देखिए, अब 31 मार्च तक सारी क्या करते हैं, जो बैंकें होती हैं, बैंकों का क्या होता है, क्लोज होता है, तो बैंकों का जो क्लोज होगा, तो क्लोज होने के बाद में वो लोग सारा डेटा आरबीआई को प्रोवाइड करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट तो आरबीआई का क्या होता है, जून से अकाउंटिंग चालू होता है कि भाई किस बैंक से कितना पैसा आया, किस बैंक से कितना सीआर आ रहा है, कितना एसएल आ रहा है, और किसका कितना डिपॉजिट है। तो जो आरबीआई का इनकम है वो कहां से होता है, जून से। तो आरबीआई क्या करती है, जून से चालू करती है और अगले जुलाई तक क्या करती है, जाकर के वो क्लोज कर देती है। आई बात समझे? तो इसलिए क्या हो गया, आरबीआई जो फॉलो करती है कहां से करती है, जून टू जुलाई, और कंपनियां कहां फॉलो करती है, अप्रैल टू मार्च। क्लियर हो गया? चलिए, आज हम आपसे ज्यादा आपका समय न लेते हुए आज का जो वीडियो है इसमें आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी के बारे में, राइट? तो लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी वह चीज होती है जो किसी को पे करना है। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं या मैं कहूं भाई आपको फैमिली लैंग्वेज में, तो जो भी कर्जा आपने किसी से लिया है वो क्या होगी, आपकी लायबिलिटी होगी। जो भी प्रॉपर्टी आपके पास होती है क्या होता है, आपका असेट्स होता है, राइट? तो यहाँ लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अगर आपके पर्सनल इंडिविजुअल बारे में बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो भी कर्जा आपके ऊपर है, यानी जो आपको भविष्य में कभी किसी को पे करना है, वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। बट अगर मैं ये कंपनियों के बारे में बात करूं, यस, कंपनियों के बारे में, या कोई फॉर्म होता है, चाहे इंडिविजुअल फॉर्म हो चाहे कंपनी हो, उनके ऊपर भी क्या होता है, कर्जा रहता है, और वो कर्जा कंपनियों को क्या करना होता है, पे करना होता है। इसलिए वो चीज क्या होती है, उनके लिए लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में सिंपली हिंदी भाषा में क्या हो गया, कर्जा, जो कर्जा आपके ऊपर रहता है। अब यहाँ पे जो लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट का, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट? एक तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, पहले हम लोग 2 पार्ट देते हैं, फिर उसके अंदर भी बाइफर्केशन आ जाएगा, राइट? सबसे पहले 2 हमारा फिक्स लायबिलिटी, और क्या होगा, करेंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी में भी फिर हमारे 3 पार्ट्स काउंट हो रहे हैं। पार्ट नंबर 1 कैपिटल हो जाएगा, उसका रिजर्व सरप्लस हो जाएगा, उसके बाद हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आती है, ठीक है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा, मेरे पास में लोन आता है, जैसे हम लोग कंपनी ने डिबेंचर इशू किया हो, या अगर छोटा फॉर्म है, पार्टनरशिप है, तो उन्होंने बैंकों से लोन लिया हो, ठीक है? जो लोन आता है, जो बैंक से लोन लिया हो, चाहे आपने मॉर्गेज लोन लिया हो, चाहे जैसा लोन लिया, वो सारा लोन किसमें आएगा, आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है। फिर हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कौन होते हैं, करेंट लायबिलिटी। अब करेंट लायबिलिटी को दोस्त फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, राइट? तो करेंट लायबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 2 पार्ट में हो गई, जिसका नाम क्या होगा, एक क्विक लायबिलिटी और एक नॉन क्विक लायबिलिटी। तो क्विक लायबिलिटी क्या होगी, अब क्विक लायबिलिटी जानने के लिए, यस सर, आपको जानना जरूरी है कि क्विक लायबिलिटी होती क्या। क्विक लायबिलिटी वह लायबिलिटी होती है जिसे कंपनी हो या फर्म हो, 1 साल के अंदर उसके ही पेमेंट करना पड़ता है, या आप यूं कह लीजिए, जब सामने वाला बंदा डिमांड करेगा आपको पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज क्विक लायबिलिटी, जिसे आप तुरंत आपको पैसा पे करना पड़ेगा एज पर द डिमांड ऑफ द फ्रंट पीपल।
अब कहेंगे भाई नॉन क्विक लायबिलिटी क्या है, नॉन क्विक लायबिलिटी का क्या होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो एज पर द डिमांड नहीं पे करना है, दैट मीन्स उसका एक टाइम पीरियड होगा कि उतने समय के बाद ही आप पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका प्री रिसीव्ड इनकम हो गया, ठीक है, वो आपका क्या होगा नॉन करेंट लायबिलिटी। अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट देखते हैं तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपने बैंक से जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है, ठीक है, उसको हम लोग क्या होते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो वो लोन कितना सिर्फ 30 डेज का होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है इतना चीज। नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होगी, वह लायबिलिटी जिसे हम नॉन क्विक लायबिलिटी क्या होगी, वह लायबिलिटी जिसे हम एज पर द टाइम पीरियड के बाद पेड करें, यानी आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी के पेड करते हैं। और क्विक लायबिलिटी क्या होती है, एज पर द डिमांड ऑफ द पर्सन, जिसका कर्जा है हमारे ऊपर वो जैसा जब डिमांड करेगा उसको हमको देना पड़ेगा। आया बात समझ में। चलिए तो हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि नॉन क्विक लायबिलिटी के एग्जाम्पल, क्विक लायबिलिटी के एग्जाम्पल और नॉन क्विक दोनों के एग्जाम्पल आपको देते हैं। जो नॉन क्विक लायबिलिटी होती है उसमें दो चीज आएगा आपको, एक होगा हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट और दूसरा क्या होगा हमारे पास में, बोलो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, एडवांस रिसीव्ड हो जाएगा। समझ में आ गया, तो दो चीज समझ गया आपको नॉन क्विक लायबिलिटी में। चलिए हम आपको क्विक लायबिलिटी में लिए चलते हैं। क्विक लायबिलिटी में क्या क्या आएगा, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, यू कह लीजिए बिल्स पेबल हो गया, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, या फिर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, अगर कंपनी है तो प्रपोज डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो सारी चीजें आती हैं किसमें आती है, हमारी क्विक लायबिलिटी में आती है, चाहे आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस हो उसका क्विक लायबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर समझ में आएगा आपको, समझा है चीज। चलिए आगे ले चले आपको, तो आज आपको समझ में आएगा क्विक लायबिलिटी क्या होती है, नॉन क्विक लायबिलिटी क्या होती है, दोनों को मिला दिया क्या हो जाएगा करंट लायबिलिटी हो गया। सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा मेरा, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मेरे दो पार्ट में है, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेरा दो पार्ट में है, सिक्योर लोन होता है अनसिक्योर लोन होता है, जिसके पास सिक्योरिटी है वो सिक्योर्ड है, जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं हो क्या अनसिक्योर्ड है। समझ में आ गया आपको, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, हमारे पास कैपिटल पार्ट आता है लायबिलिटी का। अब आपके मन में ये जरूर आता होगा कि यार कैपिटल है तो उसको हम लायबिलिटी में क्यों दिखाते हैं, या प्रॉफिट जो रिजर्व हुआ या जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम कैपिटल में ऐड करके लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाते हैं। यस, ये चीज आपके मन में होना चाहिए। ये इसलिए ऐसा होता है कि कंपनी क्या करती है, यहाँ पे बिजनेस एंटिटी फॉलो करती है। क्या है बिजनेस एंटिटी, इट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से ये चीज ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम जो आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो उनका कहने का मतलब क्या है, जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसका मतलब है कि व्हेन यू हैड स्टार्टेड अ बिजनेस, तो वो बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया तो यू आर सेपरेट, नाउ बिजनेस इज सेपरेट। That means when owner has put the some capital into the business, so business is separate and owner is separate. That means अब हमको owner का account से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसके account से मतलब, business के account से। तो business ने क्या कर दिया, owner से पैसा उधार लिया, तो वो पैसा क्या हो गया business के ऊपर क्या हो गया, वो लाइबिलिटी हो गई। इसीलिए क्या करते हैं उस कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। आई बस समझ में, कैपिटल क्यों लाइबिलिटी में आता है, क्योंकि वो जो पैसा होता है कैपिटल का वो कौन देता है, जो बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, यानी ओनर, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोप्राइटर। तो जब प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करेगा उसने क्या कर दिया, पैसा दे दिया किसको, बिजनेस को दे दिया। आई बात समझे, जब बिजनेस को दे दिया तो ओनर सेपरेट हो गया और क्या हो गया आपका बिजनेस सेपरेट हो गया, राइट। तो बिजनेस क्या बोलेगा, आई गॉट द कैपिटल बट दिस कैपिटल आई हैव टेकन फ्रॉम द सम अदर पर्सन, सो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, दे हैड बिजनेस हैड टू पे द कैपिटल टू द ओनर, राइट। और अगर उसमें से पैसे या कैश या गुड्स कभी विड्रॉ करता है अगर ओनर, जो कि वो 6 महीने से पहले विड्रॉ कर नहीं सकता, अगर वो करता है तो क्या हो जाएगी उसके लिए, वो ड्रॉइंग हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल पार्ट में जो ओनर होता है बिजनेस का, वो चाहे कैश भी डाल सकता है चाहे काइंड भी डाल सकता है। अब आप कहोगे सर कि काइंड क्या होता है, यस ये भी जानना जरूरी है, ऑफकोर्स वाई नॉट। तो काइंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एसेट्स हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो भी चीज या फर्नीचर हो गया, जो भी ओनर अपने हाथ अपना जेब से डाल देगा और बिजनेस को दे देगा, दैट इज फॉर्म एज अ कैपिटल फॉर द बिजनेस। सो क्लियर हुआ आपको ये दो चीजें कि क्या चीज होती है, लायबिलिटी में क्या आएगी, लायबिलिटी पहले दो पार्ट में डिवाइड है, फिक्स लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी के फिर से दो तीन पार्ट हो गए हमारे, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, एंड फिर क्या हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या हो गया, दो हो गया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो गया। क्लियर हुआ इतना चीज। फिर करेंट लायबिलिटी मैंने आपको क्या बता दिया,
दो चीज बताया, एक क्विक क्लैरिटी और एक नॉन क्विक क्लैरिटी। ठीक है, ये सारी समझ में आ गई आपके बस में। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रहेगा, इसके बाद और आपको जो जानकारी चाहिए उसके लिए हम आपको और भी बताते रहेंगे। ठीक है, तो एक क्लैरिटी आपको और चलते चलते बताते जा रहे हैं दोस्त, नहीं तो आपके मन में वो भी डाउट रहेगा कि सर आपने एक क्लैरिटी और होती हूँ बताया ही नहीं। ठीक है, तो देखिए वो लायबिलिटी क्या होती है जिसको हम लोग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है या वो ऑब्लिगेशन होता है जो बिजनेस को पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है, जिसका केस सिर्फ और सिर्फ कहां कोर्ट में पेंडिंग रहता है। अगर कोर्ट बोला तो बिजनेस को पैसा पे करना पड़ेगा, अगर कोर्ट नहीं बोला, अगर कोर्ट ने उसके आगे फेवर में केस सुना दिया तो बिजनेस नहीं भरना पड़ेगा, अगर कोर्ट बिजनेस के अगेंस्ट में केस सुनाया तो उनको पैसा भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बस आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए एक वर्कर है, ठीक है, वर्कर अगर आपके यहाँ काम कर रहा है तो और मशीन में उसका चाहे कोई उंगली कट गई चाहे कुछ भी कट गया तो वो क्या करता है, कंपनी का दवाइयों में तो करा देती है, बट अगर यूनियन या किसी ने कह दिया कि भाई नहीं हम आपको कंपनी से 5 लाख रुपया दिला देंगे और कंपनी के ऊपर हम केस कर देंगे या बिजनेस पर केस कर देंगे तो आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। क्लियर इतना चीज? अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या करता है जो वर्कर होगा वो क्या करता है, या तो कंपनी ऊपर केस कर देगा कि भाई मेरा ऐसा ऐसा नुकसान हो गया और कंपनी हमको 5 लाख रुपया नहीं दे रही है, तो ये क्या हो गया, एक केस हो गया, केस पेंडिंग हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ठीक है, जो क्या होता है, अनसर्टेनिटी के ऊपर डिपेंड, सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है कि कब देना है, ये क्या है, अनसर्टेन है, यानी जब कोर्ट में केस चला गया अब जब कोर्ट बोलेगा तो इसको पे करना है, नहीं बोला तब तक केस चलेगा तब तक नहीं पे करना है, तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन होता है, इट इज अनसर्टेन। और सबसे बड़ी बात दोस्त, मैंने इसको आपको क्यों नहीं सिखाया लायबिलिटी साथ में काउंट कराया, क्योंकि ये बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता बट बैलेंस शीट के नीचे लिखा जाता है, जिस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फुट नोट, यानी बैलेंस शीट का जहां पे बॉक्स खत्म होता है उसके नीचे लिखा जाता है बट बैलेंस शीट के अमाउंट में इसको हम लोग ऐड नहीं करते। यही तो वजह था कि मैंने आपको उसको लायबिलिटी साथ काउंट नहीं किया, बट मैंने आखिर में जाते थे बता दिया कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है। समझ में आ गई? तो आज आपको लायबिलिटी का पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो अभी अगले वीडियो में आपको और भी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें लेके देखते दिखाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री, और नोशन ट्री को आप प्लीज याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना लाइक कर सकते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।